अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट हाइना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी जानवर है जो अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकता है, इंसानों की तरह हंस भी सकता है, यहाँ तक कि उसे गिनती करना भी आता है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको सस्पेंस को खत्म करते हुए आपको उस जानवर के बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं जिसका नाम हाइना है और जिसे हिंदी में हम लकड़बग्गा भी कहते हैं। जेनेटिकली ये हाइनांडिया फैमिली का जानवर होता है। ये एक स्तनधारी और मांसाहारी जानवर होते हैं। मोस्टली हाइना तीन तरह के देखे जाते हैं, जिसमें एक धारीदार, दूसरा चित्तीदार और तीसरा ब्राउन यानी कि भूरे रंग के होते हैं। इसमें स्पॉटेड हाइना सबसे बेस्ट माना जाता है। एक हाइना का दिल इसके साइज के दूसरे जानवरों के मुकाबले लगभग दोगुना होता है। ये ज्यादातर अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इसकी हाइट औसतन 70 से 90 सेंटीमीटर तक की होती है और इनका जीवन काल औसतन 12 से 15 वर्ष तक का होता है। इसकी एवरेज स्पीड 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हाइना के बारे में एक मिथ है कि वो शेर के बचे हुए खाने पर गुजारा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने जीवन काल में 95% तक का शिकार वो खुद करते हैं। हाइना बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं और ज्यादातर ये हिरण और दूसरे जंगली जानवरों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। स्पॉटेड हाइना साइज में अपने से कई गुना बड़े जानवरों का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं, जिसमें भैंस, जिराफ और दूसरे कई बड़े जानवर शामिल होते हैं। इसके जबड़े बहुत मजबूत और दांत इतने नुकीले होते हैं कि अपने शिकार को ये एक बार में ही नोचने के साथ ही उसकी हड्डियों को भी तोड़ डालता है। फीमेल्स हाइना मेल्स हाइना के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और मस्कुलर होते हैं और एक बार में अपने भोजन का एक तिहाई हिस्सा अकेले खा जाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हाइना इंसानों की तरह हंसते भी हैं, जिससे कई बार इंसानों को धोखा भी हो जाता है। पर हाइना अपनी हंसी का उपयोग अन्य हाइना साथियों को ये संकेत देने के लिए करता है कि वहाँ भोजन का स्रोत है। एक बार में हाइना 1 से 3 बच्चों को जन्म देती है जो दिखने में काफी काले होते हैं। हाइना के बच्चे कई हफ्तों तक अंधे रहते हैं और ये 6 महीने तक माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। ये एक अच्छी माँ भी होती है जो अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करती है। हाइना अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है और उसका दूध अन्य मांसाहारी जानवरों की तुलना में बहुत गाढ़ा होता है। हाइना एक होशियार जानवर होता है जो कि अपने दुश्मनों की गिनती भी कर सकता है। हाइना गर्मियों के मौसम में मछलियों का भी शिकार करता है। स्ट्रिप्ड हाइना के बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ है। एक मेल हाइना दूसरे नए हाइना के ग्रुप को तभी ज्वाइन करता है जब उस ग्रुप में मेल हाइना की तादाद कम होती है। स्पॉटेड फीमेल हाइना में मेल हाइना की तरह पेनिस भी पाया जाता है जो उनके रिप्रोडक्शन के काम नहीं आता, लेकिन उनके जेनिटल स्ट्रक्चर में जरूर पाया जाता है। फीमेल हाइना ज्यादा डोमिनेटिंग होती है और ग्रुप में इनकी संख्या भी ज्यादा होती है। इनके ग्रुप को क्लैन कहा जाता है। ये अपने प्रजाति के दूसरे जानवरों की तरह बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में नहीं घूमते, बल्कि ये तो अकेले और या फिर अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उसमें रहते हैं। ये अपने प्रजाति के अन्य जानवरों के मुकाबले ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं। स्पॉटेड हाइना के सबसे ज्यादा उम्र तक जीने का रिकॉर्ड 41 साल 1 महीना है। ये अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं जो कि 3 मील दूर तक सुनी जा सकती है। इनकी 11 अलग अलग तरह की आवाजें होती हैं, जिसे ये अपने झुंड को संकेत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइना और लायन का 36 का आंकड़ा होता है क्योंकि ये दोनों ही इलाके में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। स्ट्रिप्ड और स्पॉटेड हाइना आदमखोर भी होते हैं। हाइना की प्रजाति धरती पर लगभग 24 मिलियन सालों से है। प्राचीन मिस्र में हाइना को पालने और उनका मांस खाने का रिवाज था। एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 10,000 हाइना मौजूद हैं और अगर इनका संरक्षण सही तरीके से नहीं किया गया तो इनकी संख्या भविष्य में और भी कम हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपको इन अंडर एस्टिमेटेड हाइनास के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इन अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।